तो है कि दिल्ली की पुलिस आनंद केजरीवाल के हवाले है। अन्यथा मेरा मानना है कि दिल्ली को भी नहीं संभाल पाते। अभी जुम्मे दिन में महीना भर हुआ है, 5 तारीख को रॉकेट लॉन्च करके इंटेलिजेंस पे हमला हो गया और ये कुछ नहीं कर पाए। सुरक्षा गार्ड हटा दिए और मूसे वाला जो सिंगर है उनकी हत्या हो गई। देखिए कॉमेडियन में परफॉर्म अच्छा होना अलग विषय हो सकता है, पर सरकार चलाना एक अलग विषय है। और जिस तरह से पंजाब की दिनों दिन हालत बिगड़ रही है, तो पंजाब के लोग भी समझ रहे होंगे कि 1 महीने में 2 बड़ी घटनाएं। अब आगे पंजाब का भगवान मालिक। देखिए देश हमारा बाबा साहब के संविधान के और इसलिए ये सबको समझना चाहिए कि इस वक्त मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और देश भक्तों की सरकार, इन भक्तियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए इस तरह की भक्तियाँ करना चाहिए। मामला तो नहीं है, विषय मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में प्रारंभ में आया था, तो उसने जांच में लिया। सर्वे वाले ने भी आधी रिपोर्ट दी होगी, जिन्होंने विधायक और कांग्रेस की सबकी आलोचना कराई। हमने तो कोई व्यक्ति को माना नहीं, सरकार में कोई व्यक्ति मानती नहीं। अब उनका अंदर का मामला है, कुछ पार्टी के अंदर का मामला है, इसलिए भूल गए। वैसे मैं इतना जरूर मानता हूँ कि उन्होंने जो अच्छा उपयोग किया हिंदू शब्द की व्याख्या वो गलत। कमलनाथ जी हो चाहे राहुल गांधी, ये चुनावी हिंदू है, ये इच्छाधारी हिंदू है। इनको ये चुनाव पर याद आता है, कभी जनेऊ डालना, कभी टीका लगाना। कमलनाथ ऐसे हिंदू हैं जब भगवान राम और राम सेतु के विषय आया था एकदम चुप रहे थे, एक सब हिंदू। ये ऐसे हिंदू हैं कि जब राम मंदिर की तारीख पर सवाल उठाए गए थे उनके मृत्यु के द्वारा, तो एकदम चुप रहे थे। कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं जब सिखों का कत्लेआम हुआ तब चुप रहे थे, यासीन मलिक की सजा पर एकदम चुप रहे थे। ये ऐसे हिंदू, कमलनाथ जी ऐसे हिंदू हैं जो ज्ञान व्यापी का विषय आए तो एकदम चुप रहे। ये इच्छाधारी हिंदू।